शार्क टैंक में एक बंदा आया था जो अपने ब्रांड हामर लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए, जो कि एक ऑडियो बेस्ड प्रोडक्ट को बनाता है, और वो डायरेक्टली कॉम्पीट करता था अमन गुप्ता के ब्रांड बोट के साथ। आपको सुन के हंसी आएगी, अमन ने इसमें इन्वेस्टमेंट का तो छोड़ो, डायरेक्ट कंपनी खरीदने की बात कर रहा था। अगर इसमें अमन ने इन्वेस्ट करता है तो बोट का इन्वेस्टर को बहुत बुरा लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अमन ने हामर का 40% शेयर ले लिया, और 100 के बाद उस बंदे ने इस डील को कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि उसे पता था अमन ने हामर को आगे पहुंचाना नहीं बल्कि खा जाता।